हेलो गाइज, आप देख रहे हो क्रिकेट विशाल। आज हम बात करेंगे कि टेनिस से सिक्सेस कैसे मार सकते हैं। मेरे बहुत भाइयों का क्वेश्चन था जो टेनिस से खेलते हैं, उनको जानना था कि टेनिस से सिक्सेस लगते कैसे हैं। मैं आज आपको बताऊंगा कि आप कैसे लंबे लंबे छक्के लगा सकते हैं। पूरा डिटेल में बताऊंगा स्टार्टिंग से कि कैसे आप बैट पकड़ सकते हैं, कैसे आपका स्टांस होना चाहिए और कैसे आप बॉल को वॉच करके हिट कर सकते हैं। पूरा डिटेल में वीडियो बनेगा और वीडियो एंड तक देखना, आज आप सीख के जाएंगे वीडियो से कि सिक्स लगते कैसे हैं टेनिस से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके बैट की ग्रिप बता दूं, आप पकड़ोगे कैसे, बैट पकड़ना कैसे, क्योंकि सबसे पहले बैट ही पकड़ना पड़ेगा हमको। आपके देख सकते हैं, आपको सिंपल बैट पकड़ना है, कोई भी आपको आगे पीछे नहीं करना है, आपको नॉर्मल बैट पकड़ना है और आपको हमेशा वी चेक करना है। ये आपका बैट का वी है, ये यहाँ से और ये यहाँ से, आपके दोनों वी मिले हुए होने चाहिए ऐसे बैट से। आपने बैट पकड़ लिया और ना आपको ज़्यादा ऊपर से नीचे से पकड़ना है, ना ज़्यादा ऊपर से पकड़ना है, बीच से आपको बैट पकड़ना है और हमेशा ये वाला हाथ आपका, ये वाला हाथ टाइट होगा। देख सकते हैं कैसे ये वाला हाथ आपका हमेशा टाइट होगा। ये देखो, ये हल्का ढीला भी चल सकता है, ये टाइट होगा क्योंकि आपके बॉटम हैंड में पावर इसी हाथ से आती है। बहुत लंबे लंबे छक्के जाएंगे, आप ट्राई करो, इससे बहुत दूर दूर छक्के जाएंगे अगर आप ये वाला हाथ टाइट रखोगे। अब आपको स्टांस कैसे लेना है, स्टांस की पोजीशन देख लीजिए। स्टांस आप लोगे, ये वाला लेग आपको हल्का सा खोल के रखना है ऐसे, आपको ये ऐसे क्लोज नहीं होगा आपका, आपका क्लोज हो गया तो ये एरिया कवर नहीं होगा आपसे, जो ये वाला एरिया है। तो आपको हमेशा इसको इस पैर से थोड़ा पीछे रखना है, इस वाले पैर से थोड़ा पीछे रहेगा, जैसे मेरा है आप देख सकते हैं ऐसे, आपको ऐसे लेना है क्योंकि ये एरिया आपका पूरा कवर हो जाएगा। फिर आप छोटी बॉल भी आराम से खेल सकते हो, अगर आपकी बॉल पीछे है तो ये एरिया पूरा कवर हो जाएगा। देखो ये ऐसे आएगा तो पूरा कवर हो जाएगा, फिर अगर ऐसे है तो ये नहीं कवर होगा आपसे, आप पूरी बॉल खेलोगे। स्टांस मैंने आपको बता दिया। और आपको दो बातें और ध्यान में रखनी है, एक आपकी बैक लिफ्ट ऊपर रहेगी और एक आपकी बैट स्पीड। दोनों चीज़ आपकी टेनिस से, एक बैट स्पीड तो आपकी तेज होनी चाहिए और बैक लिफ्ट ऊपर होनी चाहिए। बैक लिफ्ट ऊपर कैसे होगी, कुछ ऐसे रखते हैं बैट, कुछ जो लड़के खेलते हैं वो ऐसे रखते हैं, आपको बैट हमेशा ऊपर रखना है। आप ऊपर रखोगे तो ज़्यादा बैटर है, आपको टाइम ज़्यादा स्विंग ज़्यादा करने का मौका मिलेगा। यहाँ से जब आएगा तो स्विंग ज़्यादा लेगा, आप यहाँ हो तो बैट यहाँ से कैसे फिर हिट ही नहीं होगा, आप यहाँ से लाओगे तो हिट करने का ज़्यादा अच्छा, स्विंग ज़्यादा अच्छा होगा। और बैट स्पीड कैसे तेज होगी, आपको हमेशा जब बॉल आएगी आपको लग रहा है आपके एरिया में बॉल है, तो हमेशा जितना आपके अंदर पावर है पूरी पावर से बैट चलाओ। जैसे आपको पता है बॉल आगे आ गया तो पूरी पावर से बैट चलाओ, बैट आपको रोकना नहीं है एंड यहाँ तक ले जाना है। आप देख सकते हैं ऐसे, अगर रोक दोगे तो पावर नहीं लगेगा, बैट को रोकना नहीं है। अगर आपके एरिया में बोले तो जितने आपके अंदर पावर है पूरी पावर से बैट चलेगा, जब जाके अच्छे से छक्के जाएंगे और लंबे छक्के जाएंगे। बॉल को वॉच कैसे करना है, आप जब भी बॉल आएगी तो आपको आइज नहीं हटानी है बॉल से। कुछ लड़के क्या करते हैं, बॉल से आइज हटा लेते हैं, वो आंख बंद कर लेते हैं बॉल को मारते हुए या पहले ही बैट घुमा देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको हमेशा बॉल देखना है, जैसे आपके पास बॉल आएगा बॉल देखना है कि कहाँ पे पिच हो रहा है बॉल। जब आप उसको देखोगे तो आपको ऐसे ही बैट स्विंग करना है, आपको ऐसे ही फिर बैट स्विंग करना है, जब जाके आपका अच्छा छक्का लगेगा। बैट स्विंग अगर आपका नहीं हुआ तो सिक्स अच्छा नहीं लगेगा। और सबसे ज़रूरी है बैट स्पीड, आपकी बॉल पर लगते समय आपकी बैट की स्पीड क्या है। अगर आप अधूरे यहाँ से बैट घुमाओगे तो स्पीड अच्छा नहीं जाएगी, अगर आप पीछे से लाओगे और पूरा बैट स्विंग करोगे, स्विंग देखो मेरा बैट कैसे स्विंग हो रहा है। ये बैट स्विंग बहुत ज़रूरी है टेनिस बॉल से, अगर आप सिक्सेस लगाओगे लंबे छक्के जाएंगे आपके। बैट स्विंग करना ज़रूर सीखो, जब भी आपके एरिया में बॉल आ रही है, जिस टाइम भी आपके एरिया में, वो बैट स्विंग आपका पूरा होगा, जैसे मेरा हो आप देख सकते हैं। अगर छोटा बॉल है फिर भी पूरा बैट स्विंग करना है, टेनिस में खेलना है तो बैट स्विंग, आज से आप अपनी बैट स्पीड और बैट स्विंग बढ़ा दीजिए अगर आपको टेनिस से खेलना है। तो गाइज अब मैं आपको बताता हूँ आप शॉर्ट बॉल में पुल कैसे मार सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट बॉल बहुत ज़्यादा आता है, बॉल अगर आप टेनिस से खेलते हो तो शॉर्ट बॉल बहुत ज़्यादा आएगा आपके पास। आपको पुल मारना कैसे, आपको बॉल देखना है कि बॉल पिच कहाँ होगी, अगर बॉल पीछे पिच हुआ है तो थोड़ा आपको बॉडी वेट अपना पीछे ले जाना पड़ेगा, आप लेग भी अपना थोड़ा पीछे ले जा सकते हैं ऐसे, आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना पड़ेगा। पीछे ले जाके आपका पता चल जाए आपको छोटा बॉल है, फिर मारने के लिए आपको पूरा टाइम मिलेगा। और आपको बैट स्विंग कैसे करना है वो देख लीजिए, आपका बैट स्विंग हमेशा आपको ऐसे कभी पुल नहीं मारना है, आपको पूरा बैट स्विंग कराना है। आपको पता लग गया छोटा है तो पूरा बैट स्विंग करना है ऐसे, पूरा बैट आपका स्विंग होगा जब भी वो लंबा छक्का जाएगा। बस आपको पहले देखना है कि बॉल छोटा है या बॉल आगे है, छोटा है तो आपको थोड़ा पीछे बॉडी वेट करना है और हिट करना है और पूरा स्विंग करो बैट को हमेशा। टेनिस से आपको यही ध्यान रखना है, आपको स्विंग कैसे हो रहा है बैट, आपको पूरा स्विंग करना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपको टेनिस से खेलना है तो आसानी से आपके छक्के लगने स्टार्ट हो जाएंगे। वीडियो
आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, बहुत मोटिवेशन मिलता है, ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए आती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नया चैनल है, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, सेम अकाउंट है क्रिकेट विद विशाल। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू गाइज़।